हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब बच्चों की जो सीए इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं नवंबर 22 के लिए, उन सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर मैं दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स लाया हूं टैक्सेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड, और ये अनाउंसमेंट स्पेसिफिकली होने वाली है सीए इंटर नवंबर 22 वाले बच्चों के लिए। कौन सी दो अनाउंसमेंट्स हैं? सबसे पहली बात, मैंने आप सब बच्चों को, जो उन बच्चों ने हमसे क्लासेस लिए हैं नवंबर 22 में, उन सबको बैच खत्म होते समय बोला था कि मैं एक एमसीक्यू का कंपाइलर प्रोवाइड करूंगा इनकम टैक्स का। जीएसटी के तो क्वेश्चन बैंक में हमने सारे जीएसटी के आज तक के जितने भी एमसीक्यूज आए हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं वो कवर अप कर रखे थे। इनकम टैक्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारे हमारे बुक में थे, मैंने एमसीक्यू का बोला था कि मैं कंपाइलर बना रहा हूं और वो कंपाइलर फाइनली मैं लॉन्च करने वाला हूं नवंबर 22 वाले बच्चों के लिए। इस एमसीक्यू के कंपाइलर के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैंने सारे एमसीक्यू जो आज तक आईसीआई के किसी भी रिसोर्स में पूछे गए हैं, चाहे वो आरटीपी हो, चाहे वो मॉक टेस्ट पेपर हो, चाहे आईसीआई एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक निकालता है, उसको कवर कर लिया। और मैंने चैप्टर वाइज कवर कर लिया है ताकि जब आप अपनी चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ ही उसी चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर कर लें। एक चीज जो मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा डाली है सर, वो तो क्वेश्चंस तो हमें वहां पर भी मिल जाएंगे, तो इसमें डिफरेंट क्या है? पहली बात, जो आंसर्स अपडेटेड है वो प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 के हिसाब से कर दिए हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो ये आती है कि आईसीआई किसी भी अपने एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर ना लॉजिक नहीं देता, उसकी कैलकुलेशन नहीं देता, सिर्फ एबीसीडी दे देता है। तो मैंने यहां पर खुद बैठकर एक एक क्वेश्चन जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है उसके आंसर, उसके लॉजिक रीजनिंग सब टाइप कर दिया है ताकि आप सेल्फ स्टडी वे में इस कंपाइलर को कर सके। ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में आपको रीजंस नहीं देने होते, एग्जाम में आपको सीधा आंसर देना होता है, बट जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू कि अगर यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है और इसका आंसर एबीसीडी दे रखा है तो आपको उसकी कैलकुलेशन भी पता हो। नहीं तो कई बार आपका आंसर डिफर करता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं एमसीक्यू में, जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज आउट होता है। तो आप ये एमसीक्यू क्वेश्चन करिए, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 250 से लेकर 300 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, एग्जैक्टली आई डोंट सी द नंबर मुझे, बट 300 के आसपास डाले हैं। हाँ, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, आप सबको पता होगा केस स्टडीज आती हैं बड़ी बड़ी, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग चैप्टर से, वो भी ऐसी मैंने 20 केस स्टडीज इसके अंदर इंक्लूड कर दी हैं, एंड उनके आंसर्स में भी अलॉन्ग विद द आंसर सारे लॉजिक कैलकुलेशंस जो भी उसका है वो साथ साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया है। सर, ये हमें एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक मिलेगा कैसे? जो बच्चे हमसे नवंबर 22 में या किसी पास्ट बैच के अंदर क्लासेस ले चुके हैं तो सबके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं मैंने वो उसमें डलवा दूंगा, और साथ साथ अगर आपने हमसे क्लासेस नहीं भी ली तो ये क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू का आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल है हमारा सीए इंटर नॉलेज पोर्टल। CA इंटर नॉलेज पोर्टल पे आप ये फाइल मिल जाएगी आपको। वैसे मैं इसका फाइल का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये थी हमारी पहली अनाउंसमेंट जो कि एमसीक्यू से रिलेटेड है। काफी सारे बच्चे एमसीक्यू को लेकर जो चिंतित थे अब उनकी चिंता खत्म हो जाएगी। सर, जीएसटी का क्या होगा? जीएसटी के तो क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी मैंने इतने सारे एमसीक्यू इनकॉर्पोरेट कर रखे और उसके अंदर भी सारे पास्ट ईयर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। सेकेंडली, एमसीक्यूज की बच्चों की टेंशन खत्म करने के लिए हमें यह लगा कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि एमसीक्यूज की रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आपको पता है करंटली हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अंदर तो मुझे उम्मीद है आप सारे टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी तो हमारी जो ऐप है सीए नॉलेज पोर्टल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, सेम ऐप का नाम है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर फ्री रिसोर्सेज में जाकर स्टडी मटेरियल के अंदर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। 6 टेस्ट अभी तक इनकम टैक्स के हो चुके हैं और ऐसी 6 टेस्ट हमारे जीएसटी के होंगे, फॉलोड बाय अ फुल सिलेबस पूरा टैक्सेशन का टेस्ट। अगर आप उन्हें इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं कॉपीज को तो हमारे जो पास्ट के स्टूडेंट्स हैं या जो नॉन एवीजे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक नॉमिनल सी फीस रखी है, 500 फॉर इनकम टैक्स, 500 फॉर जीएसटी, पर टेस्ट नहीं, टोटल सारे टेस्ट के लिए। दिस इज ओनली फॉर जो पर्सन आपकी इवेल्युएट करेगा कॉपीज, उसको पे करने के लिए हम इसके अंदर कुछ भी शेयर नहीं रख रहे। एंड अगर आपको लगता है कि आप अपनी कॉपीज खुद ही इवेल्युएट कर सकते हैं तो क्वेश्चन पेपर एज पर आईसीआई पैटर्न और उसके डिटेल्ड आंसर्स एज पर आईसीआई सजेस्टेड आंसर्स जैसे ऑल्टरनेटिव अजम्पशन वगैरह के साथ, वो सब हमारी ऐप पर आपको मिल जाएंगे। देखो, ये तो एक तरीका है प्रैक्टिस करने का। दूसरा जो हमने तरीका ढूंढा है प्रैक्टिस का, जो मेरी अनाउंसमेंट है बेसिकली, वो ये है कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं।
ये डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे होगी, सेम चैनल जो मैंने आपको बोला सीए इंटर नॉलेज पोर्टल, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे, डेली यहां पर इनकम टैक्स और जीएसटी का एक एमसीक्यू डाला जाएगा, बाद में हम लॉ भी शुरू कर देंगे और उसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पोल। आप जब वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या कहते हैं आंसर दिख जाएगा, और मैं डेली उस क्वेश्चन के बाद थोड़ी देर बाद उसका आंसर का लॉजिक भी टाइप करूंगा, ताकि ना सिर्फ आपको आंसर पता लग जाए, उसकी कैलकुलेशन या उसका जो भी लॉजिक है वो भी आपको साथ साथ पता लग जाए। तो दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन टेलीग्राम। तो अगर आप ये हमारा क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं और वो डेली प्रैक्टिस कर देते हैं, आई एम रियली रियली श्योर कि इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में जो एग्रीगेट 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं उसके अंदर आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एंड रहा सवाल रिवीजन का, तो अभी तक आपको पता होगा इनकम टैक्स की रिवीजन वीडियोस तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, जीएसटी की रिवीजन वीडियोस भी आनी शुरू हो गई हैं, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिए हैं। डिटेल्ड में मैराथन वीडियोस के अंदर मैंने सारे के सारे इनकम टैक्स के सिलेबस को 20 आवर्स के अंदर रिवाइज करवाया है, एंड जीएसटी को भी 20 आवर्स में। तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव हमने मैराथन बनाया है कि अगर आप उस मैराथन को फॉलो करें और साथ साथ हमारी फ्लो चार्ट बुक को फॉलो करें तो आप बहुत अच्छे से रिविजन कर पाएंगे। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी गाइडेंस वीडियोस लाता रहूंगा टैक्सेशन की, बहुत अच्छे एबीसी एनालिसिस मांग रहे हैं टैक्स का, तो वो भी अगले कुछ दिनों में हमारे चैनल पे आएगा, तो चैनल का बने रहिए। एंड प्लीज इस वीडियो को सारे उन बच्चों का शेयर कीजिएगा जिनको आपको लगता है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।